तो दोस्तों आज का कंपैरिजन है सैमसंग गैलेक्सी A71 वर्सेस वीवो X50 के बीच में। देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होगा और दोनों ही स्मार्टफोन को कंपेयर किया जाए ऑन पेपर या फिर परफॉर्मेंस को लेकर, तो कौन सा स्मार्टफोन आपको ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस यहाँ पे देगा और कौन सा वैल्यू फॉर मनी आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो यहाँ पे एक तरफ है वीवो, दूसरी तरफ है सैमसंग, कंपेयर करेंगे दोनों ही स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस को, देखेंगे किसकी परफॉर्मेंस आपको बेहतर देखने को मिलेगी और गेमिंग के मामले में कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा दमदार हो सकता है। साथ ही दोस्तों देखेंगे कुछ ऐसे स्मार्ट फीचर्स जो दोनों स्मार्टफोन को एक दूसरे से अलग करते हैं और जो दोनों एक दूसरे से कैसे बेहतर हो सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से करेंगे इसका एक क्विक कंपैरिजन, देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन खरीदने के लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं एक क्विक कंपैरिजन। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं प्रोसेसर से। तो एक कॉमन चीज़ आपको जो दोनों ही स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी वो है परफॉर्मेंस। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन 730 देखने को मिलेगा जो 2.2 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे वर्क करते हैं। मतलब कुल मिला के दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस एक जैसी देखने को मिलेगी। दोनों स्मार्टफोन की चाहे गेमिंग के लिए बात हो चाहे स्पीड के लिए बात हो, दोनों ही स्मार्टफोन में कोई फ़र्क आने वाला नहीं है। बात करें हम कैमरे की तो दोनों ही स्मार्टफोन में क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। अगर बात करें प्राइमरी कैमरे की तो एक तरफ 48 मेगापिक्सल मिलेगा आपको 1.6 के साथ में और दूसरी तरफ 64 मेगापिक्सल मिलेगा आपको f1.8 के साथ में। और बात करें डेप्थ लेंस की तो एक तरफ 13 मेगापिक्सल और दूसरी तरफ 5 मेगापिक्सल के साथ में आपको देखने को मिलेगा। अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस यहाँ पे एक तरफ 8 मेगापिक्सल का है तो दूसरी तरफ 12 मेगापिक्सल का है। अब बात करें दोस्तों मैक्रो लेंस की जो आजकल अनयूज्ड माना जा रहा है, तो दोनों स्मार्टफोन में 5.5 मेगापिक्सल के मैक्रो लेंस देखने को मिलेंगे। और सेल्फी कैमरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो दोनों ही स्मार्टफोन में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी आपको देखने को मिलेगी। अगर बात करें दोस्तों बैटरी एंड इसकी चार्जिंग की, तो एक तरफ आपको यहाँ पे 4200 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी सैमसंग A71 में। एक तरफ आपको 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी, दूसरी तरफ 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी आपको सैमसंग A71 में। अगर कंपेयर करें दोस्तों डिस्प्ले में, तो डिस्प्ले में इतना कुछ कंपेयर करने लायक है नहीं क्योंकि दोनों ही स्मार्टफोन एक जैसे हैं। 6.5 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी आपको X50 में, 6.7 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी आपको सैमसंग A71 में। दोनों का ही रेजोल्यूशन फुल HD+ का है, थिकनेस में भी ज़्यादा फर्क है नहीं, एक तरफ 7.5 mm है दूसरी तरफ 7.8 mm है। वेट भी आप ऑलमोस्ट दोनों का आपको सेम देखने को मिलेगा, एक तरफ आपको वेट देखने को मिलेगा वीवो का 173 ग्राम का, वहीं बात की जाए अगर सैमसंग गैलेक्सी A71 की तो इसका वेट भी ऑलमोस्ट सेम है, 179 ग्राम वेट देखने को मिलेगा। तो मतलब डिस्प्ले और अपीयरेंस के मामले में दोनों स्मार्टफोन सेम हैं। दोस्तों बात करें एडिशनल फीचर्स की, तो दोनों में कॉमन चीज़ आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। दोनों ही स्मार्टफोन आते हैं एंड्रॉयड 10 के साथ में। अगर बात की जाए दोनों स्मार्टफोन में क्या अलग देखने को मिलेगा, तो वो है दोस्तों इसका रिफ्रेश रेट। आपको वीवो X50 में आपको 90 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, मतलब रिफ्रेश रेट आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। वीवो में टच रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगा। और बात करें दोस्तों ऑप्टिकल जूम की, तो टेलीफोटो लेंस मिलेगा आपको 5x ऑप्टिकल जूम के लिए वीवो में। वहीं बात करें दोस्तों सैमसंग की खास फीचर की, तो यहाँ पे आपको सैमसंग हेल्थ का सपोर्ट देखने को मिलेगा। आप अपना डेली पूरा का पूरा रूटीन ट्रैक कर सकते हो सैमसंग हेल्थ के साथ में और साथ ही रह सकते हो आप फिट एंड फाइन। और बात करें एक और खास फीचर की जो एक्सक्लूसिव सैमसंग में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा आपको सैमसंग पे का फुल वर्जन, मतलब आप NFC और MST के द्वारा आप बिना कार्ड के बगैर आप अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हो केवल फ़ोन के द्वारा। और बात कीजिए एक और खास फीचर की, तो सिंगल टेक आपको देखने को मिलेगा, मतलब एक छोटी सी वीडियो में आप अलग अलग आउटपुट ले सकते हो फोटो और वीडियो के कॉम्बिनेशन को लेके। तो दोस्तों ये था इनका क्विक कंपैरिजन। आप बताना कौन सा स्मार्टफोन आपको ज़्यादा बेहतर लगा और कमेंट करके आप अपनी राय बता सकते हो। फिलहाल के दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।